सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हां नवनीत रंधावा ते हुण इक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब होए नतमस्तक, सरबत दे भले दी कीती अरदास। बीते दिन विहाता वालों की गई आत्महत्या मामले च पुलिस ने 7 लोगों को किया नामजद। त्योहारों के मद्देनजर नगर निगम का भूमि विभाग चौकस, हटाए जा रहे ने नाजायज कब्जे। अते हुन खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय सड़की आवाजाई मंत्री नितिन गडकरी अपनी अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए अते सरबत दे भले दी अरदास कीती। श्रोमणी कमेटी वालों उन्हां नूं सन्मानित भी किया गया। इस मौके उन्हां दे नाल सांसद गुरजीत सिंह औजला, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ अते भाजपा आगू राजेंद्र मोहन सिंह छीना भी मौजूद सन। पर्पज तो मेरा आज पिछले अनेक दिनों के बाद मत्था टेकने की इच्छा मेरे मन में थी और आज मुझे स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने हरिमंदर साहब से और मंदिर में ये प्रार्थना की कि आने वाले समय में हमारे सब भारतवासियों को सुखद, समृद्ध और अच्छा जीवन मिले और सबका कल्याण हो और देश प्रगति और विकास की ओर आगे जाए, यही मैंने प्रार्थना की और भगवान हमको ऐसी सुबुद्धि दे कि हमारे हाथ से अच्छा कार्य हो। शहीद उद्धम सिंह नगर विखे 9 महीने पहला व्याई लड़की वालों पखे नाल फाहा ला के खुदकुशी कर ली गई है। प्रशासन ने सौरे परिवार दे 7 मेंबरा खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले दी जांच कीती जा रही है। ये ना मैनू अज ही पता लगा वा कि इत्थे अपने बलबीर सिंह दी नौ ही ते उन्हें अपनी आत्महत्या कर ली है। लड़की दे पिता वालों जिहड़ा बयान दर्ज दिता गया सी, बयान मुताबक जिहड़ा वा 306 IPC तहत FIR दर्ज हुई है। इहदी इनवैसटीगेशन अहीं कर रहे हैं, फिर इनवैसटीगेशन कर रहे हैं। इनवैसटीगेशन दौरान जो भी तथ्य सामने आउणगे उस मुताबिक अगली कार्रवाई अमल च लैंदी जाऊगी। किसी नाल धक्का नहीं किया जाऊगा, बिल्कुल इंसाफ किया जाऊगा। शहर विच ट्रैफिक प्रणाली नूं सही ढंग नाल चलाउण लई सरकार अते प्रशासन वल्लों हर संभव उपराले कीते जा रहे हन, जिस दे चलदिआं नगर निगम लैंड विभाग दे इंस्पैक्टर राजकुमार वल्लों एंटी इनक्रोचमेंट दे तहत विड्डी मुहिम दे चलदिआं रेलवे स्टेशन, लिबर्टी मार्केट अते कोर्ट रोड तों दुकानदारां वल्लों अते रेड़ी फड़ी वालियां वल्लों कीते नाजायज़ कब्ज़ियां नूं हटाया गया अते लोकां नूं हिदायत कीती गई कि ओह नाजायज़ कब्ज़े ना करन, नहीं तां कार्रवाई कीती जावेगी। पिछले दो तीन घंटे तो जिहड़ा वा स्टेट विभाग की फील्ड अपना टीम जिहड़ी है अपना रेलवे लिंक रोड के दोनों रूटा से अपना प्लस जिहड़ा कोर्ट रोड के जिहड़े जिन्ना भी रेहड़ी फड़ी वालों वालों या दुकानदारों वालों सड़क से अपना समान रख के जिहड़ा वा आवाजाई नूं प्रभावित किया है। जिहदे नाल देखो जी हुण अगों त्यारी सीजन जिहड़ा शुरू हो रहा वा, गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा वा, उहदे ते भी अपना जो सानू उच्च अधिकारियों वालों दिशा निर्देश होए आ कि जिहड़ा वा जिहड़े सड़कां दे जिहड़े रूट जिहड़े आ आम श्रद्धालुआं वास्ते ट्रैफिक जिहड़ी आ बिल्कुल सुचारू ढंग दे नाल जिहड़ी चलनी चाहीदी है। इस तहत जिहड़ा वा अज इत्थों इहनां दोनां तिन्नां इलाकिआं दे विच जिहड़ा इनक्रोचमेंट नूं इत्थों हटाया जा रिहा। देखो घाट इही है कि इह लोकां दी मानसिकता है, कोई भी दुकानदार जां रेहड़ी फड़ी वाला अगर जिथे कोई समान इक वारी उत्थे रेहड़ी फड़ी जां कोई समान रख लैंदा वा, उस तों बाद जिहड़ा वा उत्थे अपनी इहनूं अपनी निजी संपत्ति समझ के अपना शहर दे प्रशासन दीआं अक्खां 'च मिट्टी पा के जिहड़ा वा ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
असी यही प्रशासन कहांगे कि इन्हों तो लिखती तौर पर जो एक कानूनी धारा के अंदर भी लिया जाए इस चीज़ को जोड़ा कि लोगों जो आम लोगों शहर वासियों गुरु नगरी बिल्कुल पूरी तरह निजात मिल सके। हाँ जी देखो जी माणयोग साडे कमिश्नर साहब जी उन्होंने बिहाफ से ही जरा वा असी नगर गुरु नगरी के जो दुकानदारों रेहड़ी फड़ी वालों शहर वासियों को यह अपील करांगे कि जरा प्रशासन कार्रवाइया जरा सहयोग देन जरा वा सड़क में पूरी तरह जरा वा अपना इनक्रोचमेंट फ्री करके जरा वा एक ट्रैफिक व्यवस्था में जरा सुचारू ढंग चलने लिए सही तरीके बना शहर की स्मार्ट सिटी बरकरार रखने के लिए शहर के नगर निगम वालों जी वड्डी मुहिम जी चलाई जा रही है शहर के इनक्रोचमेंट को हटाने लिए जंगी पद्धर से वक् वक् शहर के इलाकों के मुहिम चलाई जा रही है जिसके संबंध में शहर के लिबर्टी मार्केट तो लैके कोट रोड दोनों सड़कों से कोट रोड प्रोपर न बिल्कुल ठीक किया जा रहा जी रेहड़ी फेड़ी चीज़ा दुकानदारों वालों जी इनक्रोचमेंट में बढ़ावा दिता जा रहा वो संबंधित कार्रवाई करते हुए चीज़ों को हटाया जा रहा तो नाल ही अपील की जा रही है कि जे लोग बाज ना आए तो जंगी पद्धर से जी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही जाएगी पर हूँ लोगों को खुद सुचेत होने की लड़ है तो साड़ी इस खबर तो बाद देखते हैं कि लोग कि जागरूक होंगे कि कोई गांह त्यौहारों का सीजन शुरू है तो वह शहर की साफ सफाई या शहर की सुंदरता बरकरार रखने लोगों को सरकार और प्रशासन का सहयोग करने की लड़ है। कैमरामैन रमन कुमार के नाल सुशील शर्मा फास्ट वे न्यूज़ अमृतसर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कटरा दिल्ली हाईवे का जायजा लैन लई अमृतसर पुजे अते श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंचन ते उन्हां दा स्वागत किया गया। इस मौके सांसद गुरजीत सिंह औजला कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ भी मौजूद सन। पंजाब सरकार वालों वाल्मीकि तीर्थ विखे भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस को समर्पित 28 अक्तूबर 2023 नूं राज पदरी समागम बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। इस समागम विच मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान विशेष तौर पर शमूलियत करनगे जिसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थौरी ने दी। ट्रैफिक पुलिस प्रशासन वालों शहर दियां वख-वख सड़कां उपर नाके लगा के गड्डियां दी चैकिंग की गई अते लोकां नूं ट्रैफिक नियमां बारे जागरूक किया गया। इस मौके ट्रैफिक अधिकारी वालों दस्या गया कि शहर की ट्रैफिक प्रणाली नूं सही ढंग नाल चलाने लई लोकां नूं ट्रैफिक नियमां बारे जागरूक किया जा रहा है। अमृतसर सिटी के अशोका चौंक च नाका लगा जी इतने असी चैकिंग कर रहे हैं लोगों को जागरूक किया जा रहा कि ट्रैफिक नियमों की पालना करो रोंग साइड गड्डी ना चलाओ रोंग पार्किंग ना करो रेड लाइट जंप ना करो नंबर प्लेटा जी अपनी दुरुस्त हालत में लिखाओ मोबाइल यूज ना करो हर किस्म की जी ट्रैफिक अवेयरनैस असी दे रहे हैं। इस तों अलावा असी नशियां तो दूर रहने की भी इन्हों हदायत कर रहे हैं कि नशे जोड़े वो जिंदगी का कोड़ आ इन्हों तो बचो साडे अफसरान सीनियर अफसरान साहबान जोड़े आ भी इस संबंधी उन्होंने भी कमर कसी हुई है असी भी लगे हुए हैं। लाइटा सर बंद जड़िया लाइटा वो असल जाम लग गया सी दूजे पास जो को कर्मचारी खड़ा लाइटा दे जरा चला रहा वो इस करके बंद है कि थोड़ी उतो खराब है लाइट्स तो नंबर दो इतने जाम ज़्यादा लग गया सी डाइवर्ट की हुई अद्धी ट्रैफिक एनू अद्धी एनू तुम्हें भी पता तुम लंघते आते हो गए चलान हूँ तक जोड़े आब 10 के करीब करते डेली कोई 15-20 कोई टारगेट नहीं है जी जे VIP ड्यूटी पैजे नहीं भी होंगे अदरवाइज रूटीन चैकिंग के दौरान हो जाते हैं। स्नेहा लोगों को यही आ कि सब तो पहला तो नशे तो दूर रहो नंबर दो ट्रैफिक नियमों की पालना करो। शहर की ट्रैफिक प्रणाली सुचारू ढंग चलाने लिए ट्रैफिक प्रशासन वालों जिथे वख-वख उपराले किए जा रहे हैं उत्थे ही ट्रैफिक नियमों के बारे लोगों पूरी हदायत की जा रही ने जागरूक किया जा रहा है तो जिस संबंध में साड़ी टीम पहुंची है अशोका चौंक के जिथे कि वड्डी तादाद के पुलिस नाका लगा है जिथे लोगों के रोंग साइड जिन्हों के नंबर प्लेट पूरी नहीं गई उन्हें चलान भी किए जा रहे हैं तो एको हदायत की जा रही है लोगों को साड़ी टीम गलबात करते हैं इन्होंने वालों कि लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए ड्राइविंग करते समय अपने जोड़े ट्रैफिक जो दस्तावेज ने पूरे लैके चलन तो कोई उन्होंने परेशानी ना आए और नशिया की मुहिम जी मिढ़ी हुई है प्रशासन वालों वो भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशिया के कोड़ तो दूर रह के अपनी जवानी वधिया के चंगे कामों च लाने जो अपनी जवानी भी बची रहे तो जो ट्रैफिक नियमों की पालना वधिया ढंग लोग करन जो उन्होंने कोई परेशानी ना आए। कैमरामैन रमन कुमार के नाल सुशील शर्मा फास्ट वे न्यूज़ अमृतसर। भैणां अते भरावां दे पावन पर्व रखड़ी तो त्यौहार शुरू हो जाते हैं अते वड्डा त्यौहार दिवाली मनिया जाता है। बाजारां विच नवरात्रियां नूं अहमियत दिंदिआं नवीआं चीज़ां खरीदियां जांदियां हन खास तौर ते वाहन।
डिवाइन यामा दे शोरूम वालों यामा बाइक अते स्कूटर उपर वधिया स्कीम्स हन जिस बारे शोरूम दे कर्मचारी ने जानकारी सांझी कीती। साढ़े फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन से यामा ने काफ़ी कुछ न्यू कढ़े है। साढ़े को बाइक सैगमेंट भी है, स्कूटर सैगमेंट भी आ रहा है। हुन स्पोर्ट्स भी जो साढ़े R15 MD तुसी सारी बाइक्स वगैरह देखते पे हो। शोरूम से कंपनी ने काफ़ी कुछ ऑफर्स कढ़िया है, फाइनेंस से भी कैश से भी। शोरूम विजिट करो, कस्टमर दी नीड्स के अकॉर्डिंग जो ऑफर्स है, जो कस्टमर दी नीड्स है आप पूरी करते पे हैं। बाकी शोरूम आओ, जिस तक हो गए सारा कुछ अवेलेबल। सर यामा दे विच FZ जरा स्टार्टिंग वेरिएंट है जी, FZ ते FZS से जो वेरिएंट चल रहे पे वो इकोनॉमी लैवल तो लैके उपर लैवल तक सारे चलते भी हैं। ठीक है जी, ये जी रेंज आ रही है, FZ आ रहा है, FZX आ रहा है, FZS आ रहा है। फिर कंपनी ने बाइक सैगमेंट जो सुपर सैगमेंट से चली है उत्थे तुहाडी MT-15 आ रहा है, R15 आ रहा है। स्कूटर सैगमेंट के भी साढ़े को गर्लिश वास्ते फसीनो आ जाती है, यूनिसेक्स भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्पोर्ट सैगमेंट जो स्कूटर की गल करिए तो Razor R आती, साड़ी Razor R काफ़ी सैगमेंट्स है, ड्रम मॉडल तो लैके स्ट्रीट वाली मॉडल तक सारे अवेलेबल है। बाकी तुम शोरूम आओ, डिवाइन जामा पुतली का साड़ा शोरूम है वा, ऑफर्स वगैरह काफ़ी चल रही हैं, जिनी जल्दी विजिट करोगे उन्ना ज़्यादा बेनीफिट मिलेगा। फेस्टिव सीजन शुरू है और लोगों की उम्मीद होंगी है कि नवी गड्डी है, नवी बाइक वगैरह घर लैके आई जाए। सोने सुहागा तां कहिंदे आं आपां जदों कि उस बाइक या गड्डी दे नाल, उस वहीकल दे नाल कोई ना कोई नाल फ्री ऑफर भी होवे। फेस्टिव ऑफर्स है ने जिवें तुसीं सुनिया कि डिवाइन यामा दे उत्ते अगर कस्टमर आंदा है उन्हूं काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी मिलदियां हन और उहदे अकॉर्डिंगली डील जिहड़ी हैगी है वह की जाती है। वधिया उपराला हैगा है कंपनी वा और कंपनी वल्लों इह वधिया उपराला है कि डिवाइन यामा दे उत्ते जिन्नी चंगीआं ऑफर्स निकलियां होईआं ने उहनां नूं असीं अवेल करिए। कैमरा परसन राकेश नाल JP सिंह, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। फास्टवे दा फिल्मी चैनल नंबर 240 ते, फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241 ते, फास्टवे मेट्रो चैनल नंबर 242 ते, फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243 ते, गुरुद्वारा शहीदा साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556, श्री दुर्गियाना तीरथ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 ते किया जा रहा है। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन तो सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7009300883 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪੁਤਲੀਕਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ। कुछ होर खबरां एक छोटे जाए ब्रेक तो बाद। फनलैंड, अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ ₹5 से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है।
कुछ समा पहला पुतलीकर चौंक ते लगन वाले जाम बारे असी खबरां विखाउंदे सी, जिस दे बाद प्रशासन वालों बैरीकेड लगाए गए ता जो चौंक विच ट्रैफिक एक पासे तो दूजे पासे ना जा सके। वेखन विच आया कि शहर वासी टालदे ने अते चौंक पार करन वास्ते बैरीकेड तो गलत तरीका इस्तेमाल करदे हन। पुलिस वाले चौंक विच मौजूद हुंदे हन पर रूल तोड़न वालियां नूं कुछ नहीं आखदे। असीं खड़े हाँ पुतलीकर क्रॉसिंग दे विच जिथे कि एक बैरीकेड लगा होया है BRTS पैसेज दे विच, ताकि लोग जिहड़ा है उहनूं थ्रू ना करन रोड नूं एक पासे तो दूसरे पासे तक। वेखन विच आ रहा है कि टू व्हीलर ई रिक्शाज और इवन गड्डियां भी इस बैरीकेड नूं क्रॉस करदियां पईआं ने किसे ना किसे तरीके नाल, और हैजार्डस है लोगों वास्ते और दूसरे ट्रैफिक वास्ते क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा है। पुलिस वाले मौजूद हैं लेकिन बैरीकेड अगर लगा है पुलिस वाला कोई रोकने वाला नहीं, बैरीकेड लगते हैं इस करके ताकि ट्रैफिक की मूवमेंट जी रोकी जाए। बट ट्रैफिक की मूवमेंट तुम देख रहे हो कोई नहीं रुकती पी, मेरे मगर लगातार लोग टपते पे ने पैदल भी और गड्डिया के नाल भी। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ रोकी जाए, जे अगर पुलिस बैठी है तो कोई ना कोई एक्शन अपनी ड्यूटी पूरी करन। कैमरा पर्सन राकेश नाल JP सिंह फास्ट न्यूज़ अमृतसर। हलका अटारी की इंचार्ज श्रीमती बलविंदर कौर और जनरल सकत्तर जिला अमृतसर देहाती सुशील देवगन की प्रधानगी हेठ होने वाली चोणों संबंधी मीटिंग की गई अते पार्टी दी मजबूती लई विचार विटांदरा कीता गया। इस मौके भाजपा आगू राजेंद्र मोहन सिंह छीना अते जिला अमृतसर देहाती दे प्रधान मनजीत सिंह मन्ना, मंडल प्रधान मनिंदर सिंह, बाऊ अशोक, जोगिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह समेत कई आगू अते वर्कर मौजूद सन। साहब मनजीत सिंह जी मन्ना साहब और अरविंदर सिंह संधू वो भी हाजिर हुए सी और सानू दिशा निर्देश मिलिया सी कि हर असैम्बली हल्के की असीं कोर कमेटी बना के 21 मैंबरी कमेटी की मीटिंगा लैनिया ने। अज लास्ट हल्का असीं सारियां मीटिंगा लै चुके हैं। अज की जो मीटिंग का मेन एजेंडा साढ़े जो पार्टी वालों हुक्म ने कि लोक सभा प्रवास योजना के तहत अज हलका अटारी के मीटिंग की गई है, जिस साढ़े राजेंद्र मोहन सिंह जी छीना उचे तौर पर पहुंचे ने। ये साढ़े सरदार राजेंद्र मोहन सिंह छीना जी जिन्होंने पार्टी वालों इस लोक सभा प्रवास योजना के संयोजक लगया गया, उन्होंने नाल साढ़े जिला अमृतसर देहात के प्रधान सरदार मनजीत सिंह मन्ना जी उचेचे तौर पर वर्करों की भारतीय जनता पार्टी टारी हल्के के वर्करों की मीटिंग लैंड पहुंचे है। होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट विखे वॉक्स एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया गया अते इस ड्रिंक के फायदों बारे जानकारी साझी की गई। इस मीटिंग विच स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग हैड प्रथम गुप्ता, रीजनल सेल्स मैनेजर मनदीप सिंह, बिजनेस ऑपरेशन हैड कपिल शर्मा, सुपर स्टॉकिस्ट संदीप गोगिया भी मौजूद सन। आई एम फ्रॉम वॉक्स द बिजनेस ऑपरेशन हैड। सो वी हैव लॉन्च्ड वन एनर्जी ड्रिंक नेम्ड WOX वॉक्स। It's a Dubai-based brand, which is directly being imported to India. And we have launched that in 17 plus states already. And now in Punjab. Punjab de vich assi aaye haan, tuhade shehar de vich aaye haan. Aur Vox Energy Drink jehda hai ga, eh economically bahut hi vadiya product leke aaye haan. Jehdi North India, even pure Pan India de vich assi inu launch kar chuke haan. Almost 18 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਵਿਛੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਦਾ ਸਿੰਖਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਛੋਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਜੀ ਬਗੀਚੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
तो उन्हें साड़ी बहुत मदद की थी। साड़ी बेटी उन्होंने घर साड़ी बेटी घर आ गई शिमले लै गए तो उत्थे आनू मतलब कि 2 महीने लग गए सी मतलब साड़ी कोई जो सौंदा नहीं सी कोई भी मतलब असी ਝੰਡੇਰੀ ਥਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੰਦਿਰ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਜਾਮੁਨਵਾਲੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। श्री शीतला माता मंदिर दुर्गियाना तीरथ विखे नवरात्रियां दे संबंध विच सत्कीर्तन कीता गया। वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी अते माता जी दी महिमा दा गुणगान कीता। श्री हनुमान सेवा परिवार कमेटी वालों नवरात्रियां दा शुभारंभ कीता गया। इस मौके सेवा कुंज श्री हनुमान सेवा परिवार कमेटी दे कार्तिक मल्होत्रा ने दस्या कि नवरात्रियां दे संबंध विच रोजाना शाम 7:30 तो 9:30 तक माता रानी दा गुणगान कीता जावेगा। इस मौके सुरेंद्र मकड़, पुनीत कपूर, रजनीश गुप्ता, संदीप खन्ना समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। नवरात्रियां दे संबंध विच पूज्य माता लाल देवी मंदिर मॉडल टाउन रानीकाबाग विखे प्रधान विक्रम शर्मा दी अगवाई हेठ श्री दुर्गा स्तुति दे पाठ कीते जा रहे हन अते गायक संजय सावरिया वालों माता जी दे भजन गा के संगतां नूं निहाल कीता गया। वड्डी गिनती विच संगतां हाजरियां भर के माता जी दा आशीर्वाद प्राप्त कर रहियां हन। नवरात्रियां दे संबंध विच शिवाला बाग पाइयां विखे संकीर्तन कीते जा रहे हन। प्रसिद्ध भजन मंडलियां महामाई दा गुणगान कर रहियां हन। संजय अरोड़ा, शिवाला बाग पाइयां दे पीआरओ विजय रौली, रामपाल चथरत, अश्विनी शर्मा, अशोक शर्मा समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजरियां भर रहियां हन। श्री मुक्ति नारायण धाम, वेंकटेश मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, ग्रीनफील्ड मजीठा रोड विखे नवरात्रियां दे संबंध विच सत्कीर्तन कीता गया। मंदिर ट्रस्ट दे प्रधान चरणजीत अग्निहोत्री ने अपने परिवार समेत मंदिर विखे मत्था टेकिया। श्रद्धालुओं वालों प्रसाद वंडिया गया। इस मौके चरणजीत अग्निहोत्री, आयुष्मान अग्निहोत्री, अभिषेक अग्निहोत्री, अजित्य अग्निहोत्री, अभय अग्निहोत्री, कृष्ण देव अग्निहोत्री, चरणजीत भास्कर, रवि शर्मा समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। नवरात्रियां दे संबंध विच शहर भर दे मंदिरां विच सतकीर्तन कीते गए। श्री काली माता मंदिर दुर्गियाना आबादी विखे नवरात्रियां दे मौके ते संगतां वल्लों माता जी दियां भेटां दा गुणगान कीता गया। वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। डेरा स्वरूप कुब्बी बेरी विखे माता जी दे सेवक प्रमोद पाटिया दी अगवाई विच माता जी दी चौंकी दा आयोजन कीता गया। वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी। बाजार खिलौणिया विखे नवरात्रियां दे संबंध विच माता जी दी महिमा दा गुणगान कीता गया, जिस दौरान वड्डी गिनती विच संगतां ने
भाग लिया और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुफा वाला मंदिर कटरा खजाना विखे श्री मनोज महाराज जी की अगवाई हेठ सतकीर्तन किया गया, जिस दौरान वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी अते माता जी की महिमा का गुणगान किया। एक दिन उसी स्थान पर व्यास जी बैठे बैठे माता चिंतपूर्णी मंदिर नमक मंडी विखे माता जी की महिमा का गुणगान किया गया, जिस दौरान वड्डी गिनती विच संगतां ने भाग लिया अते माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। काली माता मंदिर टाप वस्ती राम विखे नवरात्रियां दे संबंध विच सतकीर्तन किया गया, वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी अते माता जी दी महिमा दा गुणगान किया। मंदिर श्री राधा वल्लभ गली डबकरा नमक मंडी विखे नवरात्रियां दे उपलक्ष विच प्रधान रजिंदर कुमार शर्मा दी अगवाई हेठ सतकीर्तन कीते जा रहे हन। इस मौके शिवाला बाग पाइया दे पीआरओ विजय रौली ने उचेचे तौर ते हाजरी भरी। इस मौके विजय उमट समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। मंदिर श्री महावीर जी गली बाग वाली टुंडा तालाब विखे परम पूज्य श्री पवन जी महाराज की अगवाई हेठ नवरात्रियां दे संबंध विच मंदिर विखे श्री सुंदरकांड दे पाठ कीते जा रहे हन अते संगतां वल्लों माता जी दी महिमा दा गुणगान कीता गया, वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। बाबा बालक नाथ मंदिर लोहगढ़ विखे गली माई राम वैष्णो दरबार विखे नवरात्रियां दे संबंध विच सतकीर्तन कीता गया, वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी अते माता जी दी महिमा दा गुणगान कीता। श्री बाबा लाल जी मंदिर चौंक करमो द्योड़ी विखे महंत श्री अनंत दास महाराज की अगवाई हेठ नवरात्रियां दे संबंध विच सतकीर्तन कीता गया, वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। शिवाला किला पंगिया विखे नवरात्रियां दे संबंध विच माता जी दी महिमा दा गुणगान कीता गया, जिस दौरान वड्डी गिनती विच संगतां ने भाग लिया अते माता जी दा आशीर्वाद प्राप्त कीता। कटरा दुल्लो श्री तुलसीदास मंदिर विखे नवरात्रियां दे संबंध विच संगतां वल्लों मंदिर विखे पहुंच के माता जी दी महिमा दा गुणगान कीता गया। गली माई राम वैष्णो दरबार विखे नवरात्रियां दे संबंध विच सतकीर्तन कीता गया, वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी। यात्रा सेवा संघ राम गली जोड़ा पिपल विखे नवरात्रियां दे संबंध विच माता जी दा पूजन कीता गया, वड्डी गिनती च संगतां हाजिर सन। मंदिर श्री वैष्णो दरबार गली जड़ाओं चौंक फुलां वाला विखे पैन प्रवीण देवा जी की अगवाई हेठ श्री दुर्गा स्तुति दे पाठ कीते गए, वड्डी गिनती विच लोग मौजूद सन। नवरात्रियां दे संबंध विच सिविल लाइन दे वख-वख मंदिरां विच सतकीर्तन कीते गए। गोपाल मंदिर गोपाल नगर मजीठा रोड विखे नवरात्रियां दे संबंध विच माता जी दी चौंकी दा आयोजन कीता जा रहा है। इस मौके पंजाब दीआं मशहूर पार्टियां वल्लों महामाई दा गुणगान कीता जा रहा है। इस मौके सुनील आनंद कैलाश कलहन राकेश तुल्ली नरेश आनंद गौरव शर्मा पंकज सेठी समेत कई लोग मौजूद सन। श्री हरि मंदिर गोपाल नगर मजीठा रोड विखे नवरात्रियां दे संबंध विच जय माता जी दी चौंकी दा आयोजन कीता जा रहा है। भजन मंडलियां वल्लों महामाई दा गुणगान कीता गया।
इस मौके श्री हरि मंदिर जांचकार सोसाइटी के अहदेदार सुरेंद्र महाजन, मदन महाजन, हैप्पी अरोड़ा, चरणजीत देवगन, सतपाल ठाकुर, पंडित महावीर प्रसाद भी हाजिर सन। श्री श्री 1008 निर्मले संत बाबा भोले वाले हर सिंह जी महाराज के दरबार में असू के नवरात्रियों के संबंध में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ संत विशाल जी की प्रधानगी हेठ किए गए। संगतों वालों पहुँच के आशीर्वाद प्राप्त किया गया और माँ भगवती का गुणगान किया गया। मंदिर कमेटी चेयरमैन अशोक कुमार बेदी, प्रधान दीपक बहल, संदीप रामपाल भी मौजूद सन। आरती शिव दुर्गा मंदिर करतार नगर शिहाटा विखे सत्कीर्तन किया गया। पूज्य माता शारदा महेश्वरी जी की अगवाई हेठ मंदिर श्री राम भगत हनुमान सेवा सोसाइटी बजरंगी सेना का भव्य स्वागत किया गया अते सब शहर वासियों नूं नवरात्रियां दी वधाई दिती गई। वड्डी गिनती विच संगतां मौजूद सन। हनुमान जी दा असीं खूब स्वागत किया है। आए हुए जिहड़े बजरंगी ने उन्हां दा असीं स्वागत किया, फुल्लां दी वर्षा की है। तो सानूं बड़ी खुशी हुई है कि नवरात्रियां दे विच साडे मंदिर च हनुमान जी ने प्रवेश किया है। दुर्गा माता मंदिर कोट खालसा आजाद नगर विखे नवरात्रियां दे संबंध विच सतकीर्तन किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध भजन मंडलियां महामाई के नाम का गुणगान कर रही हैं। डॉक्टर अश्विनी मनन, प्रधान रमेश कुमार, विजय कुमार, हीरा लाल, सनी, हरबीर सिंह भी मौजूद सन। श्री श्री 1008 निर्मले संत बाबा भोले वाले हर सिंह जी महाराज जी के आशीर्वाद नाल बाबा भोले वाले नौजवान रामलीला कमेटी के प्रधान अते वार्ड नंबर 81 तो समाज सेवक समीर शर्मा वालों रामलीला का मंचन किया जा रहा है। विशाल फ्लैक्स, विशाल शैली, गिफ्टी, सूरत समेत समूह कलाकार भाग ले रहे हैं। अते आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब होए नतमस्तक, सरबत दे भले दी कीती अरदास। बीते दिन विहाता वालों की गई आत्महत्या मामले च पुलिस ने 7 लोगों को किया नामजद। त्योहारों के मद्देनजर नगर निगम का भूमि विभाग चौकस हटाए जा रहे ने नाजायज कब्जे। ऐसा नाच दियां खबरां असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनू दे इजाजत, धन्नवाद।